हेलो एवरीवन, ये वीडियो विलियम सैंसम के एक फेमस मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी द वर्टिकल लैडर के बारे में है। विलियम सैंसम एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। उन्हें उनके हाईली डिस्क्रिप्टिव प्रोज स्टाइल के लिए जाना जाता था, मतलब वो हर चीज़ों को काफ़ी डिस्क्रिप्शन के साथ लिखते थे, चाहे वो नेचुरल सराउंडिंग्स हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको काफ़ी वो डिटेलिंग के साथ लिखते थे अपने स्टोरी में। द वर्टिकल लैडर उनका एक शॉर्ट साइकोलॉजिकल स्टोरी है, जो कि एक साइकोलॉजिकल टर्म इनर कॉन्फ्लिक्ट पे बेस्ड है। इनर कॉन्फ्लिक्ट को साइकोलॉजी में कॉग्निटिव डिसोनेंस भी कहते हैं। इस कॉग्निटिव डिसोनेंस के हिसाब से आपके माइंड में एक इनर कॉन्फ्लिक्ट चलता है, एक टाइप का कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें क्या होता है कि आप किसी भी स्मूथ डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते हैं। मतलब किसी डिसीजन को लेने के लिए आप कभी पॉजिटिव होते हैं, कभी नेगेटिव होते हैं, और इस कारण क्या होता है कि आपके अंदर फियर, एंगर, डिस्कस्ट, कन्फ्यूजन और लोनलीनेस जैसा फीलिंग उभरता है। इस स्टोरी में कुछ कैरेक्टर है, लाइक कि फ्लैग। फ्लैग इस स्टोरी का सेंट्रल कैरेक्टर है और वो एक यंग बॉय है, और वो एक्सेप्ट करता है वर्टिकल लैडर पे चढ़ने का जो चैलेंज है, उसको एक्सेप्ट करता है। वहीं टू बॉयज है, उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन ये सारे फ्लैग के फ्रेंड है। टू गर्ल्स भी है और वो भी फ्लैग के फ्रेंड है। साथ ही दोनों में से एक जो है वो फ्लैग उसको पसंद करता है। फ्लैग इज ए यंग मैन हु वॉक्स आउट इन टू वेस्टलैंड नियर अ गैसोमीटर विथ हिज फ्रेंड्स, टू गर्ल्स एंड टू बॉयज। सो एक स्प्रिंग डे में क्या करता है फ्लैग अपने चारों दोस्तों के साथ, जिसमें दो लड़का है और दो लड़की है, उसके साथ एक वेस्टलैंड में पहुंचता है, जहाँ की एक बंद पड़ा हुआ गैसोमीटर है। दे स्टार्ट थ्रोइंग ब्रिक्स इन द स्काई, और ये सारे लोग, ये सारे दोस्त मिल करके जो आसपास टुकड़े हैं ब्रिक्स वगैरह के या स्टोन्स के, उसको लेकर के स्काई में फेंकना स्टार्ट करते हैं। टू इम्प्रेस अ डार्क हेयर गर्ल, फ्लैग स्टार्ट थ्रोइंग द ब्रिक्स हायर एंड हायर देन द अदर बॉयज। और उसी में से दोनों में से एक लड़की, जिसका एक जो कि डार्क हेयर गर्ल है, उसको इम्प्रेस करने के लिए फ्लैग क्या करता है, जो ब्रिक्स का टुकड़ा वगैरह उसको और हायर, मतलब जितने भी लोग हैं उनसे ज़्यादा ऊँचा फेंकना स्टार्ट करता है। टू सी इट द गर्ल फ्रॉन्स एंड साउथ्स बिट कांट क्लाइम एज हाई एज यू कैन थ्रो। सो वो लड़की उसको चैलेंज दे देती है कि, और ये कहती है कि चैलेंज देते हैं कि तुम उतने ऊपर नहीं क्लाइम कर सकते जितने ऊपर तुम ये ब्रिक्स का जो टुकड़ा है उसको फेंक रहे हो। द अदर बॉयज स्टार्ट मेकिंग फन ऑफ फ्लैग, और ये सब चीज़ सुन करके दूसरे जो भी उसके उनके दोस्त हैं वो सब भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं फ्लैग का। एंड वन ऑफ देम सेज ही कांट क्लाइम नो हायर देन हिमसेल्फ, और इसमें से एक और कह देता है कि वो अपने से ऊपर भी नहीं चढ़ सकता, वो उसका जितना हाइट है उससे ऊपर भी वो नहीं चढ़ सकता। फ्लैग एक्सेप्ट द चैलेंज टू क्लाइम टू द टॉप ऑफ द गैसोमीटर एंड हैंगिंग द गर्ल्स हैंकी ऑन द टॉप। सो चैलेंज ये है फ्लैग के लिए कि तुमको गैसोमीटर के टॉप पे चढ़ना है, और साथ ही साथ वो जो लड़की जो चैलेंज दी है उसका हैंकी को उसको टॉप पे टांगना है। लेकिन बट द गर्ल्स बिकम्स क्वाइट, लेकिन जब फ्लैग चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है उसके बाद वो लड़की जो चैलेंज दी वो बिल्कुल शांत हो जाती है। यहाँ फिगर देख सकते हैं गैसोमीटर का, और इसी टाइप का गैसोमीटर है जो कि बंद पड़ा हुआ है, उस पर चढ़ना है सबसे टॉप पे, और जो लड़की है उसके जो हैंकी है उसको टॉप पे टांगना है। सो देर आर टू लैडर्स, फ्लैग चूजेज द वर्टिकल लैडर टू क्लाइम ऑन द टॉप ऑफ द गैसोमीटर इग्नोरिंग द अदर वन। सो फ्लैग क्या करता है, उस वहाँ जो बंद पड़ा हुआ गैसोमीटर उसमें दो लैडर है, आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि वर्टिकल है, दूसरा जिगजैग लैडर है। सो फ्लैग क्या करता है, वर्टिकल को चुनता है, उससे जाना पसंद करता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो तुरंत ही उस पर चढ़ सकता है और मतलब इजली उससे आ सकता है। सो दूसरे वाले को, जिगजैग वाले को इग्नोर करता है। द गर्ल्स रिक्वेस्ट नॉट टू क्लाइम ऑन द टॉप, और वो लड़की जो चैलेंज देती है वो फिर से रिक्वेस्ट करती है फ्लैग को कि नहीं, मतलब तुम, मतलब रिक्वेस्ट कर दी कि तुम मत चढ़ो। बट सी कम्स टू लेट, ही हैज़ एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड ही ब्लोज अ ड्रामेटिक किस एंड स्टार्ट क्लाइम। लेकिन अब काफ़ी देर हो चुका है, क्योंकि फ्लैग के अंदर भी ये बात आ जाता है कि उसको कुछ करके दिखाना है। सो वो अब अपने जो डिसीजन लिया है, चैलेंज लिया, एक्सेप्ट किया, उससे वो पीछे नहीं हटता है, और वो बस एक ड्रामेटिक किस देता है और वो अपना जो क्लाइंबिंग है वर्टिकल लैडर पे वो स्टार्ट करता है। आफ्टर रीचिंग ओनली सम 10 feet द सेंसेशन ऑफ हाइट इन्फेक्ट्स हिम स्ट्रॉन्गली। लेकिन जैसे ही वो गैसोमीटर के 10 feet पे क्लाइंब करता है, उसके बाद अचानक से जो हाइट रहता है उसको वो इन्फेक्ट करता है।
It becomes an urgent necessity to maintain a balance. Each muscles of his body becomes unnaturally taut. और 10 जो फीट का हाइट है वो उसको मतलब उसके सारे बॉडी में जो भी मसल्स है उसको अलर्ट कर देता है और वो खुद अपना बैलेंस स्टार्ट करना मतलब शुरू कर देता है. ही मूव्स अपवर्ड एंड लुक्स फॉरवर्ड टू द स्काई एंड फाइंड्स द गैसोमीटर अपीयर्ड हायर देन बिफोर. और जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ता है और ऊपर देखता है वैसे वैसे उसको लगता रहता है कि जो गैसोमीटर का हाइट है वो और बढ़ रहा है. सो अर्लियर वो चीज़ उसके लिए छोटा लग रहा था वो चीज़, लेकिन अब धीरे धीरे वो बढ़ते जा रहा है उसका जो चैलेंज है जो क्लाइंबिंग है वो. ही लुक्स डाउन हिज फ्रेंड्स अपीयर्स स्मॉल. और जब ऊपर से नीचे देखता है तो देखता है कि उसके जो फ्रेंड्स है वो छोटे दिख रहे हैं. नाउ ही रियलाइजेस दैट ही इज अफ्रेड. अब उसको एहसास होता है कि वो डर गया हुआ है फ्लैग को. देर इज वाइब्रेशन इन हिज बॉडी. और उसके पूरे बॉडी में एक काइंड ऑफ वाइब्रेशन आना शुरू हो जाता है. फॉर द फर्स्ट टाइम फियर टेक्स होल्ड ऑफ हिम आफ्टर रीचिंग 30 फीट. और जब वो 30 फीट क्लाइंब कर लेता है तो पहली बार क्या होता है कि अब वो उसको उसके ऊपर फियर जो है वो हावी हो जाता है. पहले वो डरा हुआ नहीं था, लेकिन जब वो 30 फीट 10 फीट पे वो उसका पूरा जो मसल्स है उसमें सेंसेशन आ जाता है. देन जब 30 फीट पहुंचता है तो पूरी तरह से वो फियर की गिरफ्त में आ जाता है. एंड ही फील्स दैट ही शुड नॉट एक्सेप्ट द इम्पॉसिबल चैलेंज. और फ्लैग को यहाँ लगता है कि उसको ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था. ही होल्ड्स द आयरन रॉड फर्मली एंड रेस्ट देयर. वो थोड़ी देर वहाँ रुकता है, जो आयरन रॉड है जो लैडर में रॉड लगा हुआ उसको बहुत पकड़ के अच्छे से पकड़ के वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करता है. ही फील्स फिजिकली एग्जॉस्टेड. फियर इज ड्रेनिंग हिज स्ट्रेंथ. अब इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे कि उसका जितना स्ट्रेंथ है वो सब कम पड़ रहा है. हिज बॉडी वेज मोर एट ईच स्टेप अपवर्ड. और जितना स्टेप वो आगे की ओर ले रहा है ऊपर की ओर ले रहा है उतना ही लग रहा है कि उसका जो बॉडी का वेट है वो बढ़ रहा है. द विंड इज ब्लोइंग फास्टर. और जैसे जैसे वो ऊपर जाता है वैसे वैसे उसको फील होता है कि जो हवा है वो उसमें काफ़ी तेज है. ही स्टार्ट टेलिंग हिमसेल्फ डोंट लुक डाउन फॉर गॉड सेक डोंट लुक डाउन. और इस टाइप से वो खुद को ये बात कहता रहता है कि डोंट लुक डाउन फॉर गॉड सेक डोंट लुक डाउन. क्योंकि एक काइंड ऑफ फियर ही है. जब आप हाइट पे होते हैं तो तब आपको एक डिफरेंट काइंड का फियर को फेस करना होता है. सो 3/4 अप द गैसोमीटर एंड 50 फीट फ्रॉम द ग्राउंड. अब ऑलमोस्ट ये गैसोमीटर का जो 3/4 है उसको वो क्रॉस हो चुका है और 50 फीट जो मतलब 50 फीट ऊपर है वो ग्राउंड से. एंड फ्लैग बिकम्स डेस्परेट. ही वॉन्ट्स टू रीच ओनली टू द ग्राउंड एंड नाउ. अब वहाँ तक पहुँचने के बाद 50 फीट के हाइट तक पहुँचने के बाद वो बिल्कुल डेस्परेट हो जाता है, परेशान हो जाता है और किसी टाइप से वो चाहता है कि कितना जल्दी हो वो नीचे आ जाए. ही स्टॉप्स क्लाइंबिंग. अब वो जो ऊपर चढ़ना है उसको बंद करता है. एंड ही प्रेसेस हिमसेल्फ टू लैडर. टीयर्स स्टार्ट्स इन हिज आई. और उसके आँख से आंसू आने शुरू हो जाते हैं. इट सीम्स अ चाइल्ड लॉस्ट इन सम मॉन्स्टर्स स्ट्रेसेस. खुद को ऐसा पाता है जैसे कि कोई एक बच्चा है और वो कि मॉन्स्टर डिजर्ट में खो चुका है. सो इस टाइप का फीलिंग आता है. उसके आँख से जो टीयर्स है वो आने शुरू हो जाते हैं. ही टेक्स द फर्स्ट स्टेप डाउनवर्ड्स बट हिज फ्रेंड्स स्टार्ट शाउटिंग पुट इट बैक पुट इट बैक. और वो पहला स्टेप डाउनवर्ड की ओर लेता है, नीचे की ओर उतरने के लिए लेता है. जब वो डर जाता है रोने लगता है देन, लेकिन जो नीचे खड़े उसके दोस्त है वो फिर से चिल्लाने लगते हैं कि जो तुम अपना फिट नीचे लियो उसको ऊपर ऊपर ले जाओ तुम चढ़ो. सो दे लीव फ्लैग अलोन ऑन द टॉप. और उसके बाद जब सब ये देखते हैं कि फ्लैग अब नीचे अपना जिस स्टेप पर वो नीचे लिया उसके बाद उसके सारे दोस्त वहाँ से चले जाते हैं. हिज हर्ट्स क्राइज आउट फॉर देम टू स्टे. और वो इतना डरा हुआ है कि वो नहीं चाहता कि उसके दोस्त वहाँ से जाए. सो देर इज नो रिट्रीट फॉर फ्लैग एंड ही हैज़ नो ऑप्शन बट टू क्लाइम. अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है कि ऊपर चढ़ने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है. हिज ट्राउजर्स रन वेट. उसके जो ट्राउजर्स है वो गीले हो जाते हैं पसीने से. फ्लैग फाइनली मेजर्स द फुल डिस्टेंस ऑफ हिज क्लाइम. और फाइनली फ्लैग क्या करता है उसके टॉप पे पहुँच जाता है. एंड ही लुक्स वाइल्ड विद द टेरर द लैडर हैज एंडेड. उसके बाद जो लैडर है वर्टिकल लैडर वो खत्म हो जाता है. लेकिन yet no platform and he start thinking what more he could ever do. और
जब वो ऊपर पहुंच जाता है तब उसके अंदर एक डिफरेंट काइंड का कॉन्फिडेंस आता है और वो सोचने लगता है व्हाट मोर ही कुड एवर डू. सो दिस वाज द शॉर्ट स्टोरी रिगार्डिंग विलियम सैंसम द वर्टिकल लैडर. होप इट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम. थैंक यू ऑल ऑफ यू.